अभी तो इससे बड़ा धमाका बाकी है। ये बर्ड अपनी दुनिया में सबसे ज्यादा जो कलरफुल और एनर्जेटिक एग्जॉटिक पेट बर्ड होता है वो होता है एक लॉरी। डोंट बिलीव मी, चेक दिस आउट। मगर क्या वजह है कि ये इतने ज्यादा कलरफुल होने के बावजूद भी एग्जॉटिक पेट वर्ल्ड और हॉबीज में इतने ज्यादा पॉपुलर नहीं होते। मेरा नाम है शेख तनवीर और मैं आज के वीडियो में आपको बताऊंगा ये हाईली कलरफुल एनर्जी पैक बर्ड आपके लिए सही है या नहीं। तो वीडियो पूरा देखिए और जो नए आए हुए वो सब्सक्राइब जरूर करिए। लॉरिनी, जिसे बहुत सारे लोग बर्ड ट्रेडर, ब्रीडर और बर्ड हॉबीज लोग शॉर्ट फॉर्म में लॉरी कहते हैं। इनका जो नेटिव और ओरिजिन होता है ऑस्ट्रेलिया से होता है, जिसका मतलब ये ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करते हैं। वैसे बहुत सारे बर्ड 50% से ज़्यादा बर्ड ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करते हैं, चाहे वो काकाटीज हो या कॉकटील्स हो। इनका जो एक एवरेज स्पैन होता है वो होता है 20 से 30 से 40 साल तक, और इनकी एक एवरेज जो लंबाई होती है वो होती है 10 से 12 इंच, और इनकी 50 से भी ज़्यादा सब स्पीसीज होती है। कितनी? 50 से भी ज़्यादा इनकी सब स्पीसीज होती है। इनमें से कुछ फेमस लॉरीज जो आपको शायद पता होगी, स्वानसन लॉरी, रेनबो लॉरी, डस्की लॉरी, कार्डिनल लॉरी, इवन ब्लैक लॉरी। और लॉरी को फेमस करने वाली, सबसे ज़्यादा फेमस करने वाली जो लॉरी है वो है येल्लो बैक चैटरिंग लॉरी। ये वीडियो देख के शायद आपको याद आ जाए जो बार बार मम्मी मम्मी बोलती थी। फन फैक्ट, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एक इन्फॉर्मेशन देता हूँ जो बहुत सारे बर्ड ट्रेडर्स, इवन ब्रीडर्स, हॉबीज तो छोड़ ही दीजिए, उनको पता नहीं होती कि देर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन अ लॉरी एंड अ लॉरी कीट। दोनों में डिफरेंस क्या होता है? एक लॉरी की बॉडी बड़ी होती है और उसकी टेल छोटी होती है, और एंड में ये आइदर सर्कुलर और स्क्वायर शेप की होती है, जैसे कि ये लॉरी। और वहीं एक लॉरी कीट की बॉडी छोटी और टेल लंबी, और इनकी टेल हमेशा पॉइंटेड होती है, जैसे कि ये बर्ड है। अगर आप नज़दीक से आके देखेंगे तो अभी आपको इनका डिफरेंस समझ में आ गया कि एक लॉरी और लॉरी कीट में डिफरेंस क्या होता है। ये तो था इसका एक ओवरव्यू। अब बात करते हैं इनका टेम्परमेंट यानी इनके स्वभाव की। ये बर्ड हाईली इंटेलिजेंट, एक्सट्रीमली सोशल, मतलब सारी फैमिली के साथ खेलने कूदने मस्ती करने वाले होते हैं, और बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं। और बहुत सारे हॉबीज़ इन्हीं रीजंस की वजह से इनसे इतने ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं। ये ना सिर्फ एक चैटर बॉक्स, मतलब बातूनी किस्म के बर्ड होते हैं, मगर इन्हें डांस करना ज़्यादा पसंद होता है, और इन्हीं रीजंस की वजह से इन्हें बहुत ही आसानी से ट्रेन किया जा सकता है। और इन्हीं रीजंस की वजह से मेरे पास एक डस्की लॉरी थी जिसको मैंने बहुत ही आसानी से ट्रेन किया था और उसे आउटडोर फ्री फ्लाइट करवाया था, और ये वीडियो मैं आपको अभी दिखाता हूँ। डस्की कम, यस यस यस, कम कम, आयशाबाद। और इनकी यही इनकी इंटेलिजेंस की वजह से ये बहुत ही अच्छे स्केप आर्टिस्ट होते हैं, जिसका मतलब ये अपने केज, ये अपने इंक्लोजर से निकल कर भागते हैं। और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव थिंग, इनको एक बहुत बड़े इंक्लोजर की ज़रूरत होती है, और इंक्लोजर में बहुत सारी इंगेजिंग टॉयज की ज़रूरत होती है। क्यों? इनका दिमाग इंगेज करके रखने के लिए। मगर आपको ये टॉयज बार बार रिप्लेस करने पड़ते हैं, क्योंकि एक ही टॉय बार बार देख के ये उनमें इंटरेस्ट अपना खो देते हैं, तो आपको टॉयज को बार बार रिप्लेस करना पड़ता है। मगर इनकी यही इंटेलिजेंस और यही कलरफुल पर्सनैलिटी, प्लमेज और मस्ती को डांस करना, ये सब फीचर देख के आप ये बर्ड ख़रीदने का मन नहीं बना लेना जब तक मैं आपको इनकी पूरी असलियत ना बता दूँ। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, इनकी जो डाइट होती है वो डाइट बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड होती है। और इनकी डाइट क्या होती है? वो होती है नेक्टर। जंगल में, वाइल्ड में ये फूलों के और फलों के जूस और पॉलन पर जिंदा रहती हैं। इनकी डाइट दूसरे बर्ड जैसे अफ्रीकन ग्रे, मकाउस, काकाटूस के जैसे वैरायटी ऑफ डाइट नहीं होती। इनकी बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड डाइट होती है, जो होती है नेक्टर। अब आप बोलेंगे, हम इनके लिए अगर इसको कैप्टिविटी या इसको हम लोग को पेट एज अ पेट बर्ड रखना है, तो इसके लिए नेक्टर कहाँ से लाएं?
तो लेट मी टेल यू, मार्केट में स्पेसिफिकली फॉर्मुलेटेड नेक्टार पाउडर मिलता है जिसको आपको गर्म पानी में मिक्स करके देना होता है, या कितने भी जूसी फ्रूट्स है जैसे एप्पल हो गया, ग्रेप्स हो गया, पपाया हो गया, उस पर ये जिंदा रह सकते। मगर इसके यही डाइट की वजह से जो नेक्टार होता है और फ्रूट्स का जो जूस होता है, इसके वजह से इनकी जो पॉटी होती है ये थोड़ी सी स्मेली और थोड़ी सी स्टिकी हो जाती है। मगर अभी तो इससे बड़ा धमाका बाकी है, क्योंकि आपको बहुत सारे लोग डॉरी जब बेचते हैं इसके बारे में इसकी जो सबसे बड़ी कमी है वो नहीं बताते। ये बर्ड अपनी पॉटी शूट करती है, शूट इन द सेंस ये अपने टेल उठा के केज पे आके चिपक के कम से कम 3 से 4 फीट दूर अपनी पॉटी शूट करती है, और इसी वजह से इनका जो इनक्लोजर होता है, केज होता है, या इनका जो घर होता है, या हमारा घर होता है, ये स्मेली हो जाता है और उस पर दाग और धब्बे लगना स्टार्ट हो जाते हैं। और इसका और एक रीज़न मैंने पिछले जो कुछ सालों में मैंने नोटिस किया है कि ये जो लॉरीज होती है ना, अगर आप देखेंगे नज़दीक से, देखिए ये आराम से खेल रही है, लटकेगी, उल्टा होगी, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर ये अपने ह्यूमन काउंटर पार्ट, ये अपने ओनर से बहुत ज़्यादा अटैच हो जाती है और ये फिर पसेसिव होना स्टार्ट हो जाती है। इसकी वजह से इसके साथ अगर कोई दूसरा बर्ड रखा जाए, चाहे इसकी सेम साइज़ हो जैसे कॉन्यूर हो या बड़े बर्ड्स हो ग्रेस मकाउस, तो ये उन पर अटैक तक करने से हिचकिचाती नहीं है। बिलीव मी, आप इसका साइज़ आपको लग रहा होगा ये छोटी सी है, ये मेरी उंगली है, ये आप साइज़ इसका कंपेयर कर सकते हैं, मगर ये मकाऊ काकाटूस जैसे बड़े बर्ड से भी बढ़ जाती हैं, सिर्फ इसीलिए कि ये अपने ओनर से बहुत ज़्यादा अटैच हो जाती है। मेरा ये सारी निगेटिव नहीं बोलूँगा, इनकी सारी पर्सनैलिटी एक ओपन बुक की तरह आपके सामने रखने का मकसद लॉरी रखने के लिए डिस्करेज करना नहीं है, ये लॉरी की बुराई करना नहीं है। जिस तरह एक इंसान में जहाँ अच्छी बातें होती है, थोड़ी बहुत ख़राब बुरी आदतें भी होती है, उसी तरीके से ऊपर वाले ने, भगवान ने, हर लाइफ थिंग है जो जिंदा है, अच्छी बुरी दोनों बातें रखा है। तो मैं ये नहीं चाहता कि आप सिर्फ इसका प्लमेज, इसकी डांसिंग, इसकी टॉकिंग एबिलिटी, इसकी एनर्जेटिक पर्सनैलिटी देख के लें। आपको ये बात का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि इसके साथ में इसके कुछ निगेटिव पॉइंट्स भी होते हैं, क्योंकि जब आप एक पेट बर्ड लाते हैं तो आपको उस बर्ड से कुछ उम्मीदें, कुछ एक्सपेक्टेशन होती है, मगर जब आपकी एक्सपेक्टेशन, आपकी उम्मीद और रियलिटी में जब फ़र्क आता है, क्योंकि बहुत सारे लोग आप इसकी सारी पर्सनैलिटी नहीं बताते, मगर जब आपको इसके दूसरा साइड पता चलता है कि लॉरी में ये भी चीज़ें, तो एक्सपेक्टेशन और रियलिटी में एक जब डिफरेंस आता है और वो डिफरेंस पैदा करता है फ्रस्ट्रेशन, तो आपका फ्रस्ट्रेशन एक मासूम बर्ड नहीं झेलेगा। ठीक है, आपको कोई हक नहीं है कि अपना फ्रस्ट्रेशन आप एक बर्ड पे निकालें। सो लॉरी खरीदने से पहले आपको ये सारी बातें जानना बहुत ज़रूरी है, उसके बाद ही आप एक फैसला करिए कि आपको एक लॉरी चाहिए या नहीं चाहिए। मिलते हैं अगले वीडियो की तरफ, जहाँ पर हम डिस्कस करेंगे एक और मुद्दा, एक और इशू और एक नया बर्ड। थैंक यू वेरी मच।